नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक डेटा शेयर करना चाहूंगा FIIs का। देखिए FIIs ने सितंबर मंथ में अच्छी खासी बिकवाली करी है। सितंबर मंथ पूरा खत्म हो गया है, अब आपके लिए बाजार डायरेक्टली अक्टूबर 3rd को ओपन होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट संडे है, सेकेंड गांधी जयंती की छुट्टी है बाजार की, तो 3 अक्टूबर को बाजार खुलेगा। अब इस बीच में आपके लिए बहुत सारे ट्रिगर्स तो हैं ही हैं, लेकिन यहां मैं प्रॉपर डाटा शेयर करूंगा आप सभी के साथ FII और DIIs का। FII DIIs के डाटा की बात की जाए तो FIIs ने बड़ी बिकवाली कर दी है सितंबर मंथ की बात करी जाए तो। यहां फ्यूचर से लेकर कैश मार्केट का पूरा डाटा आपके साथ शेयर करूंगा FIIs का और DIIs का। तो सबसे पहले तो पूरे मंथ का डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा FII और DIIs का। FIIs ने कैश मार्केट में सितंबर मंथ में बड़ी बिकवाली कर दी है और अगस्त में भी बिकवाली करी थी। 2 महीने में लगातार देखा जाए तो लगभग 47,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। कितनी? 47,000 करोड़ के लगभग की बिकवाली कर दी है FIIs ने बीते 2 महीनों में। लेकिन शेयर बाजार तो ऊपर जा रहा है, तो फिर ये जो बिकवाली हो रही है ये स्टॉक स्पेसिफिक हो रही है, और बाइंग की बात की जाए तो DIIs कर रहे हैं। तो DIIs का भी 2 महीने का डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बीते 2 महीनों में। तो DIIs ने बीते 2 महीनों में 45,000 करोड़ की बाइंग करी है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, इसलिए बाजार वहीं का वहीं है। FIIs ने 47,000 करोड़ की सेलिंग करी है, तो DIIs ने 45,000 करोड़ की बाइंग करी है। अब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे समझते हैं, तो पहले FIIs की बता देता हूं। अगस्त यानी कि लास्ट टू लास्ट मंथ FIIs ने 20,600 करोड़ की सेलिंग करी, 20,600 करोड़ की सेलिंग अगस्त 2023 में करी FIIs ने, और सितंबर 2023 ये जो महीना खत्म हो रहा है आज, इसमें FIIs ने 26,692 करोड़ की सेलिंग करी है। इसको आप इंक्लूड करोगे तो ये 47,000 करोड़ से भी थोड़ा बहुत ज्यादा निकल जाएगा। तो 47,000 करोड़ की तो आपको सेलिंग होते हुए दिखी है FIIs से। और DIIs का डाटा मैं आपको बताऊं तो अगस्त 2023 में DIIs ने 25,000 करोड़ की बाइंग करी थी, और सितंबर यानी करंट मंथ में 20,300 करोड़ की बाइंग करी है। तो अगर नेट टू नेट देखें तो सेलिंग हुई है ज्यादा FIIs की तरफ से, और बाइंग हुई है नेट टू नेट लगभग 1.5 से 2,000 करोड़ का गैप है जो सेलिंग की तरफ ज्यादा है। अब एक और इंपॉर्टेंट डाटा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूचर्स का। तो फ्यूचर्स की बात करें तो FIIs ने अगस्त में 23,195 करोड़ की सेलिंग करी थी, और सितंबर में ज्यादा नहीं केवल 2500 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ये डाटा आपको क्लियरली दिख रहा है कि FIIs बेचने में उतर चुकी हैं और दबा के बिकवाली हो रही है, वहीं DIIs सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग और शेयर करता हूं। पूरे 2023 का डाटा शेयर करता हूं। पूरे 2023 की बात की जाए तो FIIs अभी तक नेट 21,500 करोड़ की सेलिंग में बैठे हुए हैं, और 2022 की बात की जाए तो FIIs ने 2,78,000 करोड़ का माल बेचा था। यानी FIIs बाजार में पैसा लगा नहीं रहे हैं, ये डाटा आपको बहुत रेयर ही मिलेगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। FIIs ने 2022 में 2,78,000 करोड़ की बिकवाली करी, और 23 में अभी तक नेट 21,500 करोड़ की बिकवाली है। आपको कि बाजार ऊपर क्यों जा रहा है, तो बाजार ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि DIIs ने 2022 में 2,77,000 करोड़ की बाइंग करी, यानी FIIs के नेट टू नेट सिर्फ 1,000 करोड़ का की कम बाइंग थी, और 2023 में 1,29,200 करोड़ की बाइंग करी, यानी कि नेट नेट अभी बहुत हाई लेवल पे चल रहे हैं DIIs FIIs के कंपैरिजन में, और इसीलिए भारतीय बाजार ऊपर जा रहा है। अब सवाल ये उठता है यहां से खरीदें या बेचें, तो देखिए यहां से खरीदने या बेचने के लिए आपको अब बड़ा ट्रिगर आसपास मुझे कोई नहीं दिख रहा है, केवल एक बड़ा ट्रिगर है वो है इलेक्शन। तो 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं वो डिसाइड करेगा बाजार आगे किधर जाना चाहिए। बाकी आपको एज एन इन्वेस्टर बने रहना है, और सिंपल प्रोसेस ये है कि क्वालिटी स्टॉक्स को बाय ऑन डिप्स करते रहें। अगले 5 से 10 साल भारत के लिए बड़ा समय है और भारत में पैसा बनेगा, तो आप भारत में निवेशित रहें और पैसा बनाते रहें, ऐसा मुझे लगता है। बाकी स्टॉक मार्केट कोई शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, जितना लंबा देखेंगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।